बॉस ये एक अगर आप लोगों को पेंटिंग पसंद हो तो ये पेंटिंग है, ठीक है। इस पेंटिंग के कुछ रूल्स हैं जो मैं पहले बताने वाला हूँ, याद रखिएगा। तो आपने पेंटिंग करनी है समय लेके, यही पिक्स जो मेडिशन मॉडिशन की आप बना रहे थे वो पिक्स बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। जिनको पेंटिंग पसंद है तो शुरू हो जाए। बेसिकली सुन ले कुछ रूल्स हैं माउस के, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के। सबसे पहले तो ये एक ये जो अंदर पूरा सॉफ्टवेयर है इसके इंटरफेस में जिसका वर्ड में होते हैं ना चीज़ें, उसी तरह इनको ओपन करेंगे तो वही चीज़ें हैं। ये पूरे के पूरे फंक्शन पड़े हैं, ये पूरे के पूरे फंक्शन इसके अंदर है, वो सारे के सारे फंक्शन यहाँ पड़े हुए हैं। अगर आप ये सीखते हो तो आप ये अंदर से बार बार क्लिक करने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। ये दो डब्बे हैं जो जिसको कह सकते हैं हम लोग बॉक्सेस हैं। अगर आपको इनकी समझ आ जाए तो पूरी की पूरी एयरबॉक्स की समझ आ जाए। ये है बेसिकली स्क्वायर्ड है, स्क्वायर आप लोगों को पता है इस बॉक्स को कहते हैं, चार इसके हैं। और ये है ओवल टाइप बना हुआ है ना, ये दोनों का एक मकसद है। यही तो दो डब्बे हैं इनके ऊपर। आप लोगों को मैंने शुरू में सिखाया था कुछ लेंसेज होते हैं ओवरऑल के ऊपर, जिसका आप लोग अभी करते आए हैं, ओवरऑल स्केल का बनाया था, ऐसा ही था ना। सारे लेंसेज टी टेस्ट अनोवा मिडिशन मॉडरेशन कोरिलेशन उसके ऊपर किया आप लोगों ने, बेसिकली कंप्यूट वेरिएबल्स के ऊपर की है। दो वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जर्वेबल, ये देखिए आप पेंसिल से करने की सुना, दो वेरिएबल होते हैं ऑब्जर्वेबल और एक होता है नॉन ऑब्जर्वेबल, यानी ऐसा वेरिएबल यानी लिटिल वेरिएबल कहते हैं, छुपे हुए को लिटिल कहते हैं। ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है, जो मेजर हो सके। जिस तरह आप लोगों ने टोटल किया था भी स्केल्स का, डैश का टोटल किया था, उसमें सब स्केल थे, स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन, ये क्या था ऑब्जर्व हो गए मेजरेबल थे। और अनऑब्जर्वेबल मेजर का वेरिएबल क्या मतलब होता है, जब आप फर्स्ट टाइम दुनिया में कुछ चीज खुद बनाए, उसके जो आइटम बनाते हैं आप लोग और उनकी बेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक्सप्लोर नहीं होता, उस वक्त तक हिडन होता है ना, ऑब्जर्वेबल नहीं होता। तो उसको जब आप ई एफ ए रन करते हो, सी एफ ए रन करते हो, तो तब वो बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है। उससे पहले वो लेटेंट होता है। तो आगे ये जो वेरिएबल है, ये स्केल का जो आपने यूज करना है, ये याद रखिएगा। ये जो वेरिएबल है, ये वाला सर्कल जिसे कह रहे हैं हम लोग, ये यूज होगा किन वेरिएबल्स के लिए, जो मेजरेबल है। मेजरेबल के ऊपर जो कंप्यूट किया हुआ है, आपने सारे एनालिसिस मेडिशन मॉडरेशन किसके ऊपर करने, कंप्यूट के ऊपर। तो ये वो सर्कल है जिसका ये बनाया हुआ है ना, आई वी, आई वी का ये सर्कल यूज होगा। डी वी के लिए कौन सा सर्कल यूज होगा, ये वाला ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स के अंदर जो मेजरेबल है, क्लियर। और ये ओवल जो है बेसिकली जब आपने सी एफ ए करना होगा आइटम के ऊपर, ठीक है, ऐसे वेरिएबल जो अभी बनाई ना हो उसके, सी एफ ए एंड ई एफ ए वो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल, देखो लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो लेटेंट वेरिएबल आइटम होते हैं, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, आइटम फोर, उनको मिलाने से स्ट्रक्चर बनता है स्केल का। जब वो देखना हो तो कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, ये ओवल यूज करेंगे। और ये ओवल के ऊपर आइटम के लिए बनाते हैं, करके देखेंगे सी एफ ए में। और ये एंगल है, ये देखिए इस तरह का एंगल है। ये बेसिकली मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर वेरिएबल, सॉरी ये पेंसिल नहीं जाती, ये दोनों तरफ इसका रूट का हेड देखें, ये पहला है, ये पहली लाइन में देखिए इस तरह बना हुआ एरो, ये टेल इसी तरफ होती है, वो क्या होता है आई वी, और इसी तरफ ये हेड होता है। ये एसपीएसएल में आपने बताया था मैंने, वहां ऐसा कुछ नहीं था। अब जो आप वेरिएबल का रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई वी है, टीवी है, इस तरह एरो लगाओगे, ये एरो अगर लगाना है कि कौन आईवी है कौन सा टीवी है, तो कौन यूज करना है, ये वाला एरो। टेल जिसकी तरफ होगी वो क्या होगा आईवी, हेड जिसकी तरफ होगा टीवी, याद रखें। और ये जो कोर वेरिएंस बनाता है, इसके दोनों मूव जो है ना हेड डाउन, जब कोरिलेशन चेक करनी हो दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या निकलती है, ये जब रिग्रेशन चेक करना हो तो ये वाला एरो, क्लियर। और ये जो एरो है, ये आपके जो वेरिएबल्स होते हैं इस तरह का स्केल लगेगा ना, अभी डब्बा जिसे हम लोगों ने अभी कहा बॉक्स लगेगा, इस बॉक्स के ऊपर रेजिडुअल ए मॉस की ब्यूटी है। एसपीएसएस मिसिंग को ट्रीट करता था ओल्ड वे में, ठीक है, ट्रीट भी टैकल नहीं कर पा रहा था। हम जो एनालिसिस कर रहे थे एसपीएसएस के ऊपर, वो एरर के साथ उसका आंसर आ रहा था, वो सही भी हो सकते थे, वो गलत भी हो सकते थे, ऐसा ही था ना। हमने कोशिश तो उसमें भी की थी बहुत ज्यादा चीजों को टैकल करने की, बट ए मॉस में खासियत है कि एरर को साइड पे रख के फिर एनालिसिस करेगा। इसके ऊपर मोस्टली रिजल्ट जो होते हैं एसपीएसएस में सिग्निफिकेंट होते हैं, इसमें नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, जो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि एरर को बाहर निकाल के
रियलिटी आपको बताता है। ये एरर को बाहर निकालना इसी के लिए क्या लगाते हैं, रेसिडुअल लगाते हैं। एक कितना का डब्बा होगा उसके ऊपर ये होगा रेसिडुअल। ये रेसिडुअल क्या बता रहा होता है, एरर को बता रहा होता है, इस वेरिएबल में कितना एरर है, इसकी प्रेडिक्शन में कितना एरर है। क्लियर? और जो प्रेडिक्शन है ये समझ लेंगे, ये ना जो एरर वाला डाटा होता है जैसे टाइपोग्राफी का मिस्टेक होगी, फलाना मिस्टेक होगी, वो साइड पर उठाएगा, उसको साइड पर रख देगा उस एरर को, वो यहाँ शो कर देगा कि इतने परसेंट एरर है रेसिडुअल के अंदर। बाकी जो रियल जो आपका डाटा होगा उसके ऊपर एनालिसिस करेगा। क्लियर? तो दिस इज बेसिकली रेसिडुअल। ये रेसिडुअल हर डीबी के ऊपर, इसके ऊपर भी हेड हो, इस वेरिएबल के ऊपर भी हेड हो, उसके ऊपर क्या प्लेस करना होता है, ये रेसिडुअल प्लेस करना होता है। अगर ये रेसिडुअल प्लेस ना करे तो रन ही नहीं होगा एनालिसिस, क्योंकि ये बताएगा प्रेडिक्शन आईडी की डीबी के ऊपर प्रेडिक्शन, और साथ बताएगा एरर कितना था। एरर तो यहाँ आया ना, हमेशा डीबी के ऊपर जिसके ऊपर हेड होगा उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, सर्कल के ऊपर ये वाला अभी लगाते हैं इसको पेंटिंग। ये टाइटल, टाइटल इसके अंदर पेस्ट करना होगा, इसको क्लिक करें। और ये वेरिएबल्स है, अभी हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं। ये वेरिएबल्स है जहाँ वेरिएबल आउटलुक नजर आती है, जिस तरह एसपी से आउटलुक नजर आ रही थी ना वेरिएबल्स की, इसमें इसमें आउटलुक नजर आएगी आपकी वेरिएबल्स की। जो वेरिएबल के नेम नहीं आ रहे थे, ये मेरा मॉनिटर क्या है, कंप्यूट क्या है, सब कुछ क्या है, बेसिकली यहाँ नजर आएंगे। क्लियर? और ये जो वेरिएबल्स हैं, ये तीन ऑप्शंस हैं। हाथ है, एक हाथ, दिस इज द वन फिंगर, फिर उसके बाद एक हाथ बांधता है इसी तरह, फिर उसके बाद सारा हाथ खुला हुआ है। इनका मतलब क्या है, अगर इसको देखो वन हाथ, यानी एक वेरिएबल को जब सिलेक्ट करके आपने आगे पीछे करना उस वेरिएबल्स को, शेड ना हो, जब एक को क्लिक करेंगे किसको क्लिक करेंगे, मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करने के बाद तो ये वेरिएबल मूव ओवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी के ऊपर दोबारा ये, अगर मैं सारे हाथ को ऊपर करने वाले को करता हूँ तो फिर सारा मॉडल जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसको जहाँ मर्जी उठा कर लेंगे जो मर्जी करें। और ये जो वेरिएबल बंद का मतलब है, जो चीज़ें मैंने ऊपर की थी उनको मूव कर रहा था, उनको बंद करना हो तो इस बटन को दबा दिया, ये दोबारा अपनी जगह लॉक हो जाता है मॉडल, तो फिर वहाँ से हिलता नहीं है, ठीक है। ये हिलाने के लिए, मूव करने के लिए है, ठीक है। मूव करने का मतलब सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए ये बटन है, ये ट्रैक का आपको नजर आ रहा है रेड कलर का। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे उस वेरिएबल को, तो इसको उठा के कहाँ लेके जाना है, किससे पता चलेगा, इस ट्रक से लेके जाना है, ट्रक लेके जहाँ मर्जी, इधर को ले जाए उधर को ले जाए, बीच में टारगेट ना टेबल्स बनेंगे ना फिक्स, उसमें देखेंगे। और ये सारा वेरिएबल, ये आपको एक रेडियो टाइम नजर आ रहा है, ये है सेव का ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, ये सेव का ऑप्शन है। और ये क्रॉस का निशान लगा, कोई वेरिएबल डिलीट करना है तो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक यहाँ ऐसे नहीं होगा, इसका एसपी से आप क्लिक कर देते हैं, आप इसको डिलीट करना है, इस बटन को प्रेस करेंगे जाके इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। क्रॉस का मतलब ये है, यहाँ ये समझ लें कि पेंटिंग कर रहे हैं आप लोग, कोई चीज़ सीधी नहीं है, यहाँ आपने यही से ऑप्शन उठा दिया है। और ये लाइन जब मॉडल को अपने को बड़ा करना हो, फिट करना हो, जिसमें हम एसपी से ऑटो कॉन्टेक्ट करते थे ना, इस वेरिएबल को करेंगे तो खुद ब खुद मॉडल फिट हो जाएगा, बाहर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, तो खुद ब खुद सेट हो जाएगा ये वाला वेरिएबल। और ये वाला वेरिएबल जो सर्कल है, इससे अपने वेरिएबल को घुमाना रोटेट करना भी हम करते हैं, ये चीज़ें ये भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये तो हम कर लेते हैं, ये लाइन छोड़े, ये जादू की छड़ी है, यह सभी से जादू की छड़ी का आप घुमा देखेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ मारेंगे वहाँ वहाँ चीज़ें जो आगे पीछे होंगी खुद का खुद लाइन हो जाएगी, ठीक है। पेंटिंग जहाँ जहाँ खराब हुई होगी ना आपकी तरह, तो वो सारी की सारी ठीक हो जाएगी। तो ये है बेसिकली, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, सारे के सारे एमोस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये दो लाइनें और ये लाइन अंडरस्टैंडेबल है, यही सारा काम करते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन है फाइल अटैच करने का, क्या ऑप्शन है, फाइल को अटैच करना हो, एसपीएसएस की, एक्सेल की फाइल, जो भी आपके पास फाइल हो, ये सारी आप एसपीएसएस में कंप्यूट करेंगे, सारा कुछ एसपीएसएस में करेंगे, इसके पास आएंगे, ये फाइल अटैच कर देगा एसपीएसएस की, और वो सारे वेरिएबल जो एसपीएसएस में शो हो रहे थे यहां, ये उसी फाइल को रन नहीं करता, एसपीएसएस लोगे, एक्सेल लोगे, और भी फाइलें जिनको ये रन कर सकता है, यहां अटैच करनी होती है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन किसका है, ये ऑप्शन एनालिसिस का है, इसका ये एनालिसिस, ये यहां ऑप्शन है ना, इसके अंदर एनालिसिस है, जिसका आप एनालाइज कर रहे थे वही एनालिसिस का ऑप्शन, यहां इस पे क्लिक करेंगे सारे एनालिसिस आ जाएंगे, जिसका एसपीएसएस पे आते थे, उसमें से कौन सा करना, आपने डिडक्शन करना है, ड्रेड मेडिशन करनी, व्हाटएवर। और ये ऑप्शन जो है इसको क्लिक करेंगे तो मॉडल रन हो जाएगा, जो बनाया होगा ना आप लोगों ने, पिक्स रन करना होगा ना जब भी इसको एसपीएसएस में, तो
एनालाइज का बटन दबाते हैं तो रन हो जाता है, जहाँ आपने इस बटन को दबाना है तो रन हो जाएगा। ठीक है, तीन बटन है, अटैच करना फाइल, आउटपुट यहाँ पड़ा हुआ एनालिसिस, और ये क्या है, रन करने के लिए है, और ये नीचे क्या है, सेव। सेव का मतलब कॉपी पेस्ट करना है, इस फाइल को कॉपी पेस्ट करके वर्ड पे लेके जाना, तो इस बटन को दबा दें, खुद का खुद कॉपी हो जाएगा मॉडल, और उसको वर्ड पे जाके पेस्ट कर दें। एक तो वैसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ आएगा एनालिसिस की आउटपुट, क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पड़ी होगी, यहाँ रन करेंगे यहाँ आउटपुट होगी, इसका आउटपुट एक्सपीएसएस में निकलती थी, यहाँ निकलेगी इसके अंदर आ जाएगी, ये ओपन हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा आउटपुट आपकी, और ये क्या होगा, सेव का ऑप्शन है, जो मॉडल आपने रन किया बटन तो दबाएं, और पेपर में आपने कौन सा बटन दबाते रहना है, सेव का ऑप्शन ये है, क्लियर। तो ए मॉस बी की चलेगी, तो ए मॉस की फाइल भी चली जाएगी, तो क्या बनाना है आप लोग, सबसे पहले इसको जाकर सेव करना है, कि जो भी मॉडल बना रहे हैं आप लोग उसको जाकर पहले फाइल को यहाँ से कर सकते हैं, फाइल के अंदर जाकर सेव कर लें, क्लियर। बाकी ये है, ये लाइन छोड़ दें, ये भी ये है, बड़ा छोटा करने के लिए मॉडल को देखने के लिए, आंखें अभी आपको जूम करने के लिए, ये तीनों ऑप्शन है, प्लस का बटन दबाएंगे बड़ा होता जाएगा मॉडल, ये बताएंगे मिनिमाइज होता जाएगा ना, ज्यादा वेरिएबल करीब से देखना तो इस बटन को दबाएं, वेरिएबल करीब चले जाएंगे आप लोग ना इसी मॉडल के अंदर, और ये भी वही है, ये भी है, अब ये वेरिएबल ये छोड़ दें, ये प्रैक्टिकली करते हैं सारा का सारा, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाले और पहली दो लाइनें, कौन कौन सी लाइनें, ये लाइन है जहाँ आउटपुट आपकी सारी फाइल पड़ी है, और ये अब देखते हैं मॉडल बनाते हैं, अरे माउस के ऊपर हम मॉडलिंग करते हैं, मेरा वेरिएबल क्या था, वेरी सिंपल से करते हैं, जो एसपी से आपने किया होगा तो वही करते हैं, इसके आउटपुट को समझ जाए तो आपको सबको समझ आ जाएगा, पहला मॉडल वही वाला रन करते हैं, आई बी डी बी मीडिएशन, सिंपल मीडिएशन रन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आउटपुट के ऊपर मैं क्या कहने लगा, ये देखिएगा सबसे पहले हमें पिक्स बनानी है, कौन सी पिक्स बनानी है, आईपी डीबी एंड मीडिएटर, उसके लिए कौन सा वेरिएबल चाहिए, ये ओवर चाहिए कि ये चाहिए स्टेयर, क्योंकि लेटेंट वैल्यू है, ये लेटेंट वेरिएबल की ये मेजरेबल वेरिएबल है, हम ओवर आर के साथ काम करने जा रहे हैं, लेटेंट वेरिएबल के साथ काम करना हो तो फिर ओवर, अभी सीएफए में हम ओवर पे काम करेंगे, ओके, ये वेरिएबल क्लिक किया यहां से, ये देखो मैंने वेरिएबल को सिलेक्ट किया उसके ऊपर जाके, और ये देखिए साथ आ गया मेरे वेरिएबल आ गया, अब आपके पास माउस होगा, इसका नाम भी जाहिर है, हाथों में माउस है, आप माउस यूज करेंगे, आप देखिए मैं इसको ड्रा करता है ना, मेरे हाथों में है, सर्कल ड्रा हो गया, क्लियर, ये सर्कल ड्रा हो, दूसरा करता हूं और दोबारा यहां कर दूंगा, इससे बेहतर है, क्या हां क्लियर है ना, उसमें सर्कल बोल दिया, ये सर्कल मींस तो सर्कल तो ओवल है ना, कोनी, ये लेके स्क्वायर आ गया आपके सामने, कोई डब्बे है इसमें बॉक्स है, एक ओवल है, एक सिंपल ये वाला है, ठीक है, अब ये वेरिएबल को मैं बार बार बनाऊँ, यहाँ से आप जितने मर्जी वेरिएबल बना सकते हैं, जितने मर्जी आगे भी देखिए, आप देखिए इसका कोई बड़ा है कोई छोटा है, अच्छा नहीं लग रहा मॉडल है ना, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना आप लोगों ने, ये दो वेरिएबल यहाँ से देखे, ये वेरिएबल मैंने किस लिए कहा था, क्रॉस करने के लिए, इसको क्लिक करेंगे डिलीट हो गया, क्लियर, ये मुझे वेरिएबल इसी तरह के सारे चाहिए जो सेम हो, तो क्यों ना इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँ, ये ऑप्शन का ये वाला, ये मैंने आपको बताया ना कॉपी पेस्ट के लिए है, इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा, ये क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद इस वेरिएबल को उठा के कॉपी, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, दो बार उठा के ये ऊपर, ये वेरिएबल कॉपी पेस्ट, एक ही साइज है सबका, एक ही लाइन है सबकी, अगर आप हाथों से बनाएंगे तो छोटा बड़ा बन जाएगा, सही है ना, तो यहाँ ये बात है कि ये देखिए मेडिशन का टेबल बन गया आप लोगों के पास, तीन सर्कल आ गए हैं, अब मैंने क्या कहा था आप इनको प्लेस करें, ये सर्कल उठाएंगे ये वाला मेडिशन के लिए क्या करते हैं, ये सर्कल को मैंने क्लिक किया, ये आ गया मेरे साथ, इसी को करो